Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है, वो है आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं. निश्चित रूप से ऑफकोर्स हम देखेंगे उनके सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफकोर्स. तो चलिए शुरुआत करते हैं. टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज. यूनिवर्स फिर गाइज प्लीज गाइड. तो देख लेते हैं ये इंसान किस तरह के इंसान है. ऑफकोर्स is coming in your life to make your life happiest. All right. So we do have first card as the Seven of Swords. है ना कुछ अजीब सा. We do have the Emperor. Don't worry. 16 number. This is a Tower card. Of course. We do have the Page of Pentacles. ठीक है, यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड. ऑलराइट, एंड हमारे पास है टू ऑफ कप्स. ऑलराइट, जस्टिस. पूरी तरह से विश्लेषण होगा, पहले हम दूसरा डेक से भी वेरीफाई करेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा फिर. The Muse. The Sun, but although it is written as a moon. Eighteen number, this is actually the moon card. All right, four of Wands, wow. दो कार्ड आ चुका है. सेवन ऑफ फोर्सेस, दिस इज अ सेवन ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स. ठीक है, इसको बॉटम में ही रख देंगे. बॉटम में है थ्री ऑफ स्क्रोल्स, थ्री ऑफ रोजेस. देखो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. वृषभ, कन्या, मकर राशि है. यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है. यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स है 18, 19, 15, 4, 7, 21, 21, 12 आप देख सकते हैं, 11, 11 देख सकते हैं, 7, 16. द मंथ ऑफ जुलाई, द मंथ ऑफ नवंबर, द मंथ ऑफ मे, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, मार्च इज वेरी इम्पोर्टेंट, दिसंबर ऑल्सो. देखो जिस इंसान से आपकी मुलाकात होने वाला है या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आने वाले हैं, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यस, कोई ऐसा सिचुएशन ज़रूर रहा होगा कि किसी ने आपके साथ तो धोखा किया ही है कुछ लोगों के लिए. एंड यू फेल्ट सो मच इमोशनल, यू फेल्ट लाइक क्राइंग. आपको रोना धोना के सिवा कुछ नहीं था. आप ज़िंदगी में बहुत कुछ जैसे खो बैठे, कुछ रहा ही नहीं आपके लिए. ऐसे सिचुएशन में उस इंसान ने आपको डाला और कमिटमेंट देने का तो दूर की बात है. ये इंसान आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी भाषा काफ़ी ज़्यादा कठोर था. एंड यू फेल्ट लाइक आई एम जस्ट एन ऑप्शन इन द लाइफ. सो बेसिकली ये रियलाइजेशन भी आपको काफ़ी साल बाद हुआ. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट फिर एक टेरेबल एंडिंग हुआ इस रिलेशनशिप का, या ऐसा होने वाला है. एंड देन अ न्यू बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड, क्योंकि मुझे इस तरह का बहुत सारे हर्डल्स, बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स, बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक रिलेशनशिप, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपके हेल्थ के लिए वो डेंजरस हो जा रहा है,
कहीं ना कहीं पे आपका सिर्फ ये इंसान आपको ऐसा लगता है ठीक है इसको ना बोलना था तो ये मुझे पहले ही बता देता कि मुझे नहीं पसंद का, तो ये मेरा वक्त क्यों जाया किया। बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ टुडे, इन आवर वर्ल्ड टुडे इज टाइम, राइट? सो समय आपका कहीं ना कहीं पे वेस्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपका शादी तो हो चुका था किसी और के साथ, लेकिन आफ्टर अ वाइल आपने रियलाइज किया कि इस इंसान के बहुत ज्यादा हिडन सीक्रेट्स हैं। ये इंसान लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, मेंटली एंड इमोशनली एंड फिजिकली दे टॉर्चर पीपल। सो कुछ भयानक कांड से आप गुजरे एंड देन मे बी दिस पर्सन हैड ऑलरेडी एंटर्ड इन योर लाइफ या इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि हो सकता है ये इंसान के साथ कुछ ऐसा हालात हुआ है ना कि आपके साथ, बिकॉज एनर्जी गेट्स रिवर्स्ड, वाइस वर्सा हो जाता है। इस इंसान के साथ आपका शादी का योग बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट दिस विल बी एन एक्सट्रीमली फ्रूटफुल रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मीनिंगफुल रिलेशनशिप जिसका मीनिंग हो। प्यार करना, शादी करना, एक साथ रहना, बट उसका एक मीनिंग होना चाहिए, यूजलेस नहीं हो जाना चाहिए। बट आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे मुझे दिख रहा है इट इज़ गोइंग टू बी सो मच कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? मुझे दिख रहा है आप दोनों ने ही शायद बहुत ज़्यादा कार्मिक फेस फेस करने के बाद आप दोनों की यहाँ पे मिलन लिखा गया है। वन कैन बी वेरी मच इंट्रोवर्ट एंड अदर वन बी वेरी मच एक्सट्रोवर्ट। आपके पर्सन की जैसा होता है ना ओवरव्यू बहुत अच्छा होगा, बर्ड्स ओवरव्यू, मतलब ऊपर से जो देखते हैं वो सामने सामने विचार नहीं करते, ऊपर से भी देखते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। ये इंसान कभी कभार जिद्दी भी हो सकता है, बट वट एवर बी द सिचुएशन ये रिवर्स करके भी देखते हैं, ये उल्टा भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक दैट यू नो कि सिर्फ एक पहलू को ये विचार नहीं करते। अगर ये कोई चीज़ खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ क्लॉथ आइटम, सपोज एक शर्ट खरीद रहे हैं, एक ड्रेस खरीद रहे हैं, तो इसका एडवांटेज भी देखेंगे, इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। कपड़े का फैब्रिक क्या होना चाहिए, ठीक है, कॉटन होना चाहिए तो कॉटन का क्या एडवांटेज है, कॉटन का क्या डिसएडवांटेज है, उस तरह से विचार करते। मतलब वन एंड यू कैन से दैट ईच एंड एवरी सिचुएशन, और यू कैन से दैट ईच एंड एवरी पॉइंट और कॉर्नर दिस पर्सन इज गोइंग टू एनालाइज। बहुत कुछ एनालाइज करके ये फिर पूरी तरह से सेटलमेंट पर आ जाते हैं। इवन अगर ये किसी और के साथ भी व्यवसाय कर रहे हैं और वो दूर रहते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन कोई फूड एंड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड होते ही है, आप जानते ही हो, चिप्स से लेके सब कुछ, नमकीन से लेके एनीथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रेस्क्यू करते हैं लोगों को इन द मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, उस तरह से दे आर वेरी स्ट्रांग इनफ। ऐसा कोई जगह पे ये पोस्टिंग ज़रूर हो सकता है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो, इस तरह से दे कैन टॉलरेट एवरीथिंग, दे आर वेरी स्ट्रांग मेंटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए आपकी ये परछाई है, बिकॉज दिस इज़ अ सन एंड दिस इज़ अ मून कार्ड ओवर हियर, ओके? यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, जो भी है उल्टा करके यहाँ पे है। यहाँ पे हमेशा इस कार्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा दिखता है ये वो माउंट आबू का वो नक्की लेक, कि जहाँ पे ऐसा अगर आप कभी भी जाओ उस जगह पे ना, यू फील लाइक एवरीथिंग दैट यू लॉस्ट इन लाइफ, जैसे आपने सब कुछ खो दिया है ना, सब कुछ वहाँ पे जाके आपको मिलेगा ऐसा लगता है। सो यू विल फील जब आप इस इंसान से मिलेंगे, हो सकता है कि आपकी करियर काफ़ी ख़राब हो गया था, कुछ इंसान ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपकी करियर ख़राब हो गया था। सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं, सिर्फ आपकी धन नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, आपकी आत्मा को चोट पहुंचाया गया। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है देर इज अगेन एन अपलिफ्टमेंट। यहाँ पे दोनों मिलकर कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडिया से ही आप कुछ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे।
एंड उसके वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, उनको पेमेंट मिलेगा, उनको रोजगार होगा, वो अपने फैमिली चलाएंगे. सो यू आर गोना बिल्ड सम एंटरप्राइज. योर पर्सन विल बी वेरी डिवोटेड, लॉयल एंड वेरी स्टेबल इन देयर करियर. बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मुझे वहाँ से आते हुए दिखाई दे रहा है. आई डू फाइंड दे कैन बी अ लॉयर, दे कैन बी अ सॉलिसिटर, दे कैन बी कैन से. उनको मिलने से आपको अपॉइंटमेंट लेके फिर मिलना पड़ता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. अपॉइंटमेंट लो, डेट फिक्स करो, फिर मिलो. हो सकता है कि लॉयर, हो सकता है कि डॉक्टर है, हो सकता है कि मे बी दे आर वेरी गुड हेयर ड्रेसर, एक्सपर्ट फैशन ब्लॉगर, एनी वन. बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको मिलने से पहले आपको एक फिक्स करना पड़ेगा मीटिंग. दे कैन मीट यू वाइल यू वर्क विद देम. हो सकता है कि आपके बॉस हैं, या हो सकता है ये इंसान आपको कोई बिजनेस के थ्रू मिले, मे बी कॉन्टैक्ट्स, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिले, ऑनलाइन या इंटरनेट का माध्यम हो सकता है. दे कैन बी इन द पब्लिशिंग, दे कैन बी इन द मार्केटिंग एरिया ऑल्सो. ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स डिज़ाइन भी करते हैं. जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट का जो डिज़ाइन होता है, आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन में देखते हैं, चाहे आप टीवी में देखते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट का डिज़ाइन होता है, प्लॉट होता है, वो करते हैं. मे बी दे आर डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ स्मॉल मूवीज और स्क्रीन्स लाइक दैट. वो भी मुझे दिख रहा है. यहाँ पे बार बार वही स्केल से आ रहा है. बेसिकली आई डू फाइंड कि जब आप इनसे मिलेंगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरे जीवन का यही इंसान मेरे लिए लिखे हुए थे, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा. बाद में आपको रियलाइजेशन हो जाएगा. ये इंसान के साथ जब आप आएंगे, तब आपकी पूरी जिंदगी जैसा है पहले जैसा चल रहा था, संतुलन नहीं था, कहीं ना कहीं पे आपके मन बहुत ज़्यादा बिखर गए थे कि कोई जिससे आप बहुत प्यार करते हो, कोई ऐसा भी कर सकता है. एंड आई डू फाइंड दैट इट इज़ पॉसिबल दैट देयर कैन बी अ रिकन्सिलिएशन, अ रियूनियन, इट कैन बी पॉसिबल. बट वो एक्सटेंट मुझे कम ही दिख रहा है, ठीक है, वो कम दिख रहा है. थ्री ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट लविंग एलिमेंटल्स. ये इंसान जो है, जिस तरह से हम नेचर में जाएंगे ना, इफ़ यू गो फॉर द नेचर, राइट, हमें वहाँ पे क्या मिलता है? कोई ये पेड़ पौधे कभी भी हम हमसे रिवेंज नहीं लेंगे, हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, हमें हमसे उम्मीद नहीं करेंगे कि हम उनके उनको पानी दे, हम उनका केयर करें, बट वो हमें उल्टा देंगे. बेसिकली जब आप नेचर के आसपास होते हैं, तब आप सबसे ज़्यादा बेस्ट फील करते हैं. क्यों आपको पता है? बिकॉज नेचर हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते, बट हाँ, हमको करना चाहिए नेचर के लिए. बट इंसान के आसपास रहेंगे तो वो उनसे उम्मीद हो जाता है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता. बार बार हमें शर्मिंदगी महसूस होता है, ठीक है. सपोज़ मैं आपको ज़्यादा ही मैं बोल रही हूँ. सपोज़ वी गॉट इन्विटेशन, राइट, फॉर अ बर्थडे और फॉर एनिवर्सरी, तो हम गिफ्ट लेके गए. हमें ज़रूर ऐसा कभी कभी फील होता है, आप लोगों को भी हुआ है कि अरे उसने क्या गिफ्ट दिया, पता नहीं मेरा गिफ्ट पसंद होगा या नहीं. सो एक एक्सपेक्टेशन, वो एक फियर, वो एंगजाइटी थोड़ा रहता ही है. ज़रूर होता होगा कि अगर कोई गिफ्ट खोले भी सर पसंद नहीं आया तो क्या होगा, क्या इंप्रेशन होगा उसके माइंड पे. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप इस इंसान से ऐसे फ्रैंकली बात करेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे उनके साथ आपका रिश्ता होगा, जहाँ पे आपके पर्सन आपके ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे और आप भी नहीं करेंगे, लेकिन दोनों दोनों को कंप्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट. एंड आई डू फाइंड यहाँ पे एक बच्चा आपकी ज़िंदगी में आके और भी रोशन बनाएगा आपकी ज़िंदगी को. आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक दैट कुछ आपके पर्सन या आप ऐसे जगह पे पहले रहते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल था, बहुत आसपास बहुत कम ही ट्रैफिक है, नहीं बोलने से ही चलता है, एग्रीकल्चर फील्ड है, तो उस तरह से एक पॉन्ड है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. इनके घर हो सकता है आसपास हो. आई डू फाइंड दे कैन बी इन द नेवी, दे कैन बी इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस, व्हाट आई टोल्ड, दे कैन बी अ ट्रैवलर, दे कैन बी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट में हो सकता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोग्रामर हो सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है.
दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ये भी मुझे दिखता है। यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद हम इनिशियल्स को देखेंगे। ओके, जनवरी महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है उनका बर्थ मंथ या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। नॉट इमोशनल, कभी कभी इमोशंस खो बैठते हैं। बॉक्स, बॉक्स ऑफ कैंडीज, बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको सरप्राइज दे इंसान। बॉक्स बास्केट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यू कैन से यू नो वर्ड, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे। सोलमेट है ये आपके। फेब्रवरी, जनवरी फेब्रवरी कैन बी इम्पोर्टेंट। विक्ट्री, जीत होगा आप दोनों का, रिश्ता का। जनवरी अगेन, दो बार जनवरी दिखा रहा है। कैंसर साइन है, ओके। अक्टूबर, देखें वे डॉक्टर हीलर लाइक दैट। कैंपिंग, एडवेंचरस टूर ट्रैकिंग, यस, हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, ठीक है, बंजी जंपिंग, स्विमिंग, डाइविंग, डाइविंग बेसिकली। लॉयर, मैंने आपको कहा था लॉयर, इंजीनियर, शेफ एंड एडुकेटर। लव्स टू स्टडी एंड हैव डिफरेंट नॉलेज, होगा ही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स में उनकी नॉलेज है, या इस तरह से है ना, ये कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। पेनफुल मोमेंट्स विल एंड, मैंने आपको ये कहा कि जब आप इस इंसान से मिलेंगे तब आप सब कुछ भूल चुके होंगे अपने पास्ट के बारे में। अच्छा, एस ए डब्ल्यू, आपने उनको देखा है कहीं पे? मे बी। ऑरा, उनकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। एच आर एम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोनली, आपको इन ये आने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा लोनली लग सकता है। अनिल हो सकता है नाम, ओके। अरिजीत हो सकता है नाम। टीना, सिम हो सकता है, रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ उनकी कोई शॉप हो जहाँ पे ये मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स से रिलेटेड संबंधित कुछ हो। फाइव कैन बी इम्पोर्टेंट। बी, देखो यहाँ पे भी बॉक्स आ रहा है, बॉक्स, सो समथिंग रिलेटेड टू पार्सल, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, शिपिंग, एनआरआई कैन बी, ओके, राइट। ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, आज डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया है। ए यू एस कहाँ गया, टी, यस, टी आर ए एल आई ए, ऑस्ट्रेलियन, ओके। लीना, नीरव, नीरज, नैना, निशा, प्रिया, आलोक, अनिमेश, मनीष, रॉनिंग, ओके, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना आपके इनिशियल्स और उनके इनिशियल्स में है, कुछ सिटी नेम्स भी आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's reading guys, I hope you like it, and if you like please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, love you a lot, take care of yourself and bye.